जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ज़कात के हवाले से है, ज़कात डिडक्शन और एग्जम्पशन के हवाले से है। जब आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बैंक को अलाउ करें कि आपके अकाउंट से माह रमज़ान में ज़कात के पैसे काटें या नहीं काटें। और अगर आप समझते हैं कि बैंक आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे, आप खुद ज़कात पे करेंगे या नहीं भी करेंगे, जो भी है वो हर किसी का अपना मामला है, लेकिन आप बैंक से कहते हैं कि आप समझते हैं कि बैंक आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे, तो फिर आप ये बैंक में कैसे अप्लाई कर सकते हो कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं बैंक में, बैंक आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे। तो आज हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान भर में जितने भी बैंक्स हैं उन सब के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होता हूँ, चाहे वो करंट अकाउंट्स हों, चाहे सेविंग अकाउंट्स हों, चाहे एटीएम डेबिट कार्ड हों, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हों, जितने भी मामला होते हैं बैंक्स के उनके बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता होता हूँ। तो कहने का मतलब यह कि अगर बैंकिंग के हवाले से अगर आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हो, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और अपलोड करता रहूँगा, उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगर इन केस आपको मुतलका वीडियो ना मिले तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल पूछेंगे तो मैं आप लोगों को लाजमी जवाब दूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा। जहाँ मुझे लगे कि जिस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। याद रखें, जब भी आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो सेविंग अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि कुछ सेविंग अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनसे अकॉर्डिंग टू बैंक के जो टर्म एंड कंडीशन है वो इससे वो उन अकाउंट से सेविंग अकाउंट से ज़कात के पैसे काटते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रूल है, कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं उनमें से उनसे वो जो है ना ज़कात के पैसे काटते हैं माह रमज़ान में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे ना काटें तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं उनमें जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं उनमें बैंक की तरफ से ये कंडीशन होता है कि वो उन अकाउंट पे जो है ना ज़कात के पैसे नहीं काटते। ओके, ये तो याद रखें, जब भी आप अकाउंट ओपन करें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेविंग अकाउंट है, क्या इसमें बैंक पैसे काटता है नहीं काटता है। अगर ऐसा अकाउंट है जिसमें बैंक पैसे काटता है ज़कात के, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बैंक, ऑप्शन ये है कि अगर आप जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आपने बैंक को अलाउ कर दिया, इजाज़त दे दिया कि मेरे अकाउंट से पैसे काटें। जब तक आप बैंक को जो है ना लिख के नहीं देते कि मेरे अकाउंट से पैसे ना काटें। उस बात को समझने की कोशिश करें, जब आप कोई भी ऐसा सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं जिसमें बैंक के मुताबिक बैंक ने ज़कात के पैसे काटने होते हैं तो जब तक आप बैंक को मना नहीं करते तब तक वो बैंक आपके अकाउंट से माह रमज़ान में ज़कात के पैसे काटेगा, ये है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बैंक आपसे आपके अकाउंट से पैसे ना काटे तो उसमें क्या होता है, उसमें आप बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। और जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपसे कहेंगे कि भाई आप स्टाम्प पे आपको एक फॉर्मेट देंगे, प्रिंट करके देंगे कि हमारे बैंक का ये फॉर्मेट है, बाहर जाएँ 100 रुपीज़ के 100 रुपये की स्टाम्प पे, चाहे ई स्टैम्प हो या दूसरा हो, अब कुछ सूबों में है ई स्टैम्प कुछ में नहीं है, आप जो है ना बाहर जाएं आप स्टैम्प पे ये प्रिंट कराएं और इसको फिल करें, अपने कवायफ लिखें और अपने सिग्नेचर करें और अंगूठे के निशान लगाएं, और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से पैसे ना काटें, मैं जो है ना अब ज़कात के पैसे खुद अपने हाथों से पे किया करूँगा। जब आप ये स्टाम्प पे एफिडेविट बैंक को दे देंगे तो उसके बाद बैंक पाबंद होता है कि आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे। जब आप ये जमा कराते हैं फिर बैंक किसी सूरत आपके सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं काटेगा। सेम इसी तरह अगर एक ही बैंक में आपके ज़्यादा अकाउंट हैं सबके लिए आप दे सकते हो, अगर मुख्तलिफ बैंक में आपके सेविंग अकाउंट हैं तो हर एक बैंक में आप स्टाम्प पे एफिडेविट देंगे कि मेरे सेविंग अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे जाएँ, ज़कात के पैसे मैं खुद अपने हाथों से पे करूंगा। अब ये हर किसी की ईमान पे है कि वो ज़कात अपने हाथों से पे करे या ना करे, या ये हर किसी का अपना मामला है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़कात के पैसे आप चाहते हैं कि बैंक ना काटे तो आप बैंक में एफिडेविट देकर
स्टाम्प पे, उनके उसे कह सकते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे ना काटे जाएं। एक ही बैंक में आपके ज़्यादा अकाउंट हैं सेविंग अकाउंट, तब भी आप ये कर सकते हो, और अगर मुख्तलिफ बैंक्स में आपके अकाउंट है तो हर एक बैंक में आप एफिडेविट देंगे। और ये याद रखिए, जो करंट अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स पे जो है ना ज़कात के पैसे नहीं काटे जाते। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह तआला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह नेकबा।